नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पे पोस्ट में जो हैशटैग लगाते हैं उस टॉपिक पे। टॉपिक पहले ही बता दिया है मैंने, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरी देखना। और अगर आपको हैशटैग लगाने आते हैं और आप बहुत मास्टरमाइंड हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को अभी स्किप कर दो, बैक कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। केवल उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्हें वास्तव में हैशटैग लगाने नहीं आते या जिनकी पोस्ट या जिनकी रील वायरल नहीं हो पाती गलत हैशटैग लगाने की वजह से। अगर आप चैनल पर नए हो और जुड़ना चाहते हो तो फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो, लाल बटन है जल्दी से दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना उसका। तो चलो हैशटैग के टॉपिक पे आते हैं। देखो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे हम जब भी पोस्ट को अपलोड करते हैं तो हमारा इंटेंशन जो होता है वो ये होता है कि इसको बूस्ट मिले और ये वायरल हो। अगर हमने पोस्ट को अपलोड किया है तो हम ये चाहते हैं कि लोगों के होम फीड में और एक्सप्लोर में वो दिखनी चाहिए। और सेम रील पे भी हमारा यही व्यू रहता है कि यार कैसे भी करके हमारी रील जो है वो ज़्यादा व्यू लेकर आए, ज़्यादा बूस्ट होना चाहिए उसका। और इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि हम स्पैमिंग कर देते हैं उस पोस्ट में ही। स्पैमिंग क्या होता है कि जैसे अभी मैं कल इंस्टाग्राम पे देख रहा था, एक लड़के की पोस्ट आती है होम फीड में, और होम फीड में आने के बाद जब मैंने उस पोस्ट का उसमें जाके देखा कैप्शन वगैरह में कि इसने क्या यूज़ किया है, जो इसके लाइक इतने कम है या जो भी, तो पता चला कि उसने जो पोस्ट में अपने हैशटैग लगा रखे थे वो थे साड़ी सेडक्शन, साड़ी ड्रेपिंग, बंगाल ब्यूटी, इस तरीके के हैशटैग लगा रखे थे। और 30 से ज़्यादा लगा रखे थे, 30 लगा रखे थे अप्रॉक्स। तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं, अपनी पोस्ट के अंदर रेलिवेंट करते हुए, उससे जुड़ते हुए मिलते हुए हैशटैग नहीं लगाते हैं, तो आपकी पोस्ट पे भी स्पैमिंग हो सकती है। इंस्टाग्राम की निगाह में वो पोस्ट ऐसी हो जाएगी कि इसको तो कहीं भी नहीं दिखाना। अगर कोई ज़्यादा हैशटैग लगा रहा है और बाई चांस उसकी पोस्ट बूस्ट हो जाती है तो वो तो कोइंसिडेंस है, ज़रूरी नहीं है कि वो हैशटैग की वजह से हुई है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो आप अपनी पोस्ट में हैशटैग कैसे लगाएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, और हैशटैग का जो कॉन्सेप्ट है ना इंस्टाग्राम पे वो क्या है, ये कैसे काम करता है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप हैशटैग से रिलेटेड कोई वीडियो देखोगे तो आपको डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। जब कोई किसी को पता होगा तभी तो वो आपको समझा पाएगा, बस ये बता देगा कि 30 हैशटैग लगा सकते हो आप मैक्सिमम। मैंने बहुत सारे टेक चैनल की वीडियो पहले देखी थी तो उन लोगों का कहना ये था कि आप अपनी पोस्ट में 30 हैशटैग तक लगा सकते हो मैक्सिमम, तो पूरा हैशटैग से भर दो। तो सही बात बताऊं, उन टेक चैनल को रत्ती भर जानकारी नहीं है, इतनी सी जानकारी नहीं है कि हैशटैग कितने लगाए जाते हैं पोस्ट के अंदर। बस उन्हें आपके अकाउंट की ऐसी तैसी करानी है तो उन्होंने ये बात बोल दी। लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि हैशटैग का कॉन्सेप्ट क्या है और इंस्टाग्राम पे वर्क कैसे करता है। अब सपोज करो कि मैं एक बाइक राइडर हूँ, बाइक चलाता हूँ और राइडिंग की वीडियो बनाता हूँ या ब्लॉगिंग करता हूँ या फोटो शूट करता हूँ, ठीक है। लेकिन बाइक के साथ मेरे फोटो जो है वो मतलब कैप्चर किए जाते हैं, तो मैंने जब बाइक के साथ फोटो को कैप्चर किया और मुझे इंस्टाग्राम पे उसे पोस्ट करना है क्योंकि मैं एक राइडर हूँ, तो उस पर अगर मैं हैशटैग लगाता हूँ राइडिंग, बाइक लव, इस तरीके के मतलब रेलिवेंट करते हुए हैशटैग लगाता हूँ, तो जितने भी बाइक लवर हैं जिनका इंटरेस्ट बाइक में है, तो जब भी वो इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे हैशटैग बाइक लवर, तो उस पेज पे, क्योंकि हैशटैग जो होता है ना उनके भी पेज बने हुए होते हैं इंस्टाग्राम पे, और बाकी लोगों की तरह आप उनको भी फॉलो कर सकते हो उन पेज को। अब जैसा किसी दूसरे बंदे का इंटरेस्ट है बाइक में, उसने सर्च किया हैशटैग बाइक लवर, तो जैसे ही वो उस पेज पे जाएगा, उसे फॉलो कर रखा होगा उसने, तो मेरी पोस्ट उसे होम फीड में दिख जाएगी। अदरवाइज़ वो अगर उस पेज पे भी जाता है तो उसे मेरा फोटो उस पेज पे दिखेगा और तब वो उसको लाइक करेगा। तो हम पे जो हैशटैग से लाइक आते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं, ज़्यादातर होम फीड में चला गया किसी की। अब जैसे हमने एक पोस्ट में बहुत सारे हैशटैग लगा रखे हैं और बाई चांस किसी की पोस्ट में चला गया जो उस हैशटैग से रिलेवेंट करता हुआ नहीं है, तो भले ही हम पे कभी लाइक आ जाए तो हम सोचते हैं यार हैशटैग की वजह से आ रहे हैं। हमें अपनी पोस्ट से रिलेवेंट करते हुए ही हैशटैग लगाने हैं ताकि जिन लोगों का इंटरेस्ट उनमें हो वो उसको देख सकें। अब जैसे आप एक लड़का हो, आप पहन तो जीन्स रहे हो लेकिन आपने उसमें साड़ी सेडक्शन लगा दिया, अब हैशटैग साड़ी सेडक्शन के पेज पे आपकी पोस्ट अपलोड तो हो जाएगी, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको देखेगा तो वो कहेगा अरे यार इसने साड़ी तो पहनी नहीं है, तो मुझे तो ये इंटरेस्ट है नहीं इसमें, तो वो आपके पोस्ट को लाइक नहीं करेगा। यानी कि आपका जो अकाउंट है वो लोगों को दिखा तो, लेकिन लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया। और इंस्टाग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी पोस्ट जब लोगों को दिखे तो लोग उस पर इंटरेक्ट करें, चाहे लाइक करें, सेव करें, शेयर करें या फिर कमेंट करें, तब उसकी बूस्ट मिलती है उस पोस्ट को। तब इंस्टाग्राम को लगता है कि यार इस फोटो को इतने लोगों ने तो देखा और इतने लोगों ने इंटरेक्ट भी किया, परसेंटेज जो हैं ज़्यादा हैं इसके इंटरेक्शन के, इंगेजमेंट के, तब आपकी पोस्ट को बूस्ट मिलता है।
और उससे आपके अकाउंट को बूस्ट मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ज़्यादा लोगों पे आपकी पोस्ट जाएगी तो वो लोग आपके अकाउंट पे आएंगे, प्रोफाइल विजिट करेंगे और प्रोफाइल अच्छे से मैनेज करी हुई होगी तो वो उसको फॉलो भी करेंगे। तो समझ में आ गया हैशटैग का कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ी बात, अगर ये इंस्टाग्राम के जो हैशटैग हैं इनके पेज बने हुए होते हैं, अब जब हम सर्च करते हैं तो आप सर्च करना किसी हैशटैग को और आप देखना कि उसका पेज बना हुआ होगा, अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं तो हमारी फॉलोइंग में वो दिखता नहीं है। जैसे हमने 10 किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रखा है, मान लीजिएगा 10 को, और 10 हैशटैग को फॉलो कर रखा है, तो नया कोई व्यक्ति जब हमारे अकाउंट पे आएगा तो फॉलोइंग में केवल 10 अकाउंट दिखाए जाएंगे, जो हैशटैग हमने फॉलो करें वो नहीं दिखाए जाएंगे कि इतने हैशटैग भी फॉलो किए हैं। हैशटैग जब वो उस पर क्लिक करेगा तब दिखेंगे, लेकिन नंबर 10 का ही दिखाया जाएगा। तो यानी कि इससे क्या है कि आपकी फॉलोइंग भी कम दिखाई जाएगी। आपने हैशटैग को फॉलो कर रखा है अपने इंटरेस्ट के बेस पे कि अब मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, और उससे रेलिवेंट करती हुई जितनी पोस्ट हैं वो आपके होम फीड में दिखेंगी। अब इसमें एक जो वो होता है ना माइनस पॉइंट गलत हैशटैग लगाने का, वो ये भी है कि जैसे मान लीजिएगा कि आप बाइक राइडिंग करते हैं लेकिन आपने हैशटैग लगाया साड़ी लवर मान लीजिए, और आपकी पोस्ट ऐसे बंदे के पास चली गई जिसने साड़ी लवर हैशटैग को फॉलो कर रखा है, तो जब उसके होम फीड में जाएगी तो उसे स्क्रॉल कर देगा कि यार इसमें साड़ी तो दिखी नहीं मेरे को, और आपने डाला है बाइक के साथ फ़ोटो, तो जाहिर सी बात है कि फ़ोटो लोगों को दिखा लेकिन इंटरेक्ट नहीं किया किसी ने, तो पोस्ट जो है वो डाउन में जाएगी, फिर उसको बूस्ट नहीं मिलेगा। तो समझ में आ रहा है आपके कि हैशटैग का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। पेज होते हैं और पेज पे जाके ही लोग आपकी पोस्ट को देख के लाइक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ऐसे हैशटैग लगा दिए जो किसी फीमेल इन्फ्लुएंसर ने लगाए। अब वो तो साड़ी पहन के उन्होंने फ़ोटो खींचा है तो वो तो अपनी पोस्ट में इसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपने तो साड़ी नहीं पहनी है ना, तो आप उससे रेलिवेंट करते हुए लगाओ। आप अगर एडिटिंग करते हो अपने फ़ोटो में तो आप डाल सकते हो एटीट्यूड, या फिर आप डाल सकते हो कि एडिटिंग एडिटिंग मास्टर, कोई भी हैशटैग लगा सकते हो जो उससे मिलता जुलता हो। रेलिवेंट करने का मतलब ये होता है, ये नहीं कि आप ऐसा डाल दो जो उससे मिलता जुलता है ही नहीं। उससे सबसे बड़ा माइनस पॉइंट और उसका ड्रॉपडाउन यही है कि उसे लोग देखेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि वो उससे रेलिवेंट करता हुआ नहीं है। और आप भी अगर इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर हैं, जो आपका इंटरेस्ट है उसी के रिकॉर्ड के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप हैशटैग को फॉलो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हैशटैग का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम पे ये वर्क कैसे करता है। अब बात आती है कि कितने हैशटैग हमें अपनी पोस्ट में लगाने चाहिए, पोस्ट में या रील में। तो देखो, अगर आप पोस्ट अपलोड कर रहे हो यानी कि कोई फ़ोटो अपलोड कर रहे हो तो आप 5 से 8 हैशटैग तक लगा सकते हो, 5 to 8। इससे ज़्यादा मत लगाइए, इतने सफिशिएंट होते हैं आपकी पोस्ट को बूस्ट मिलने के लिए। और याद रखना, अगर आपकी पोस्ट को बूस्ट मिलना होगा तो इतने हैशटैग में मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो आप उसे चाहे कितना भरते रहो। बहुत जगह होती है कैप्शन में आप लगाते रहो हैशटैग। अगर आपको बूस्ट मिलना होगा, आपकी पोस्ट वायरल होनी होगी, एक्सप्लोर में जानी होगी, लोगों के होम फीड में जानी होगी, तो वो इतने से भी चली जाएगी, और इंस्टाग्राम खुद इतने ही हैशटैग लगाने को बोलता है आपकी पोस्ट में कि आप 5 से 8 हैशटैग तक लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। कोई भी क्रिएटर आपको बोलता है कि ज़्यादा लगा सकते हैं तो आप उससे यही पूछ लो कि भाई तूने बोई का कोर्स किया है, बोर्न ऑन इंस्टाग्राम का, वहाँ वो खुद बताते हैं कोर्स में कि इतने ही हैशटैग आपको लगाने चाहिए, ठीक है। और रील में आप 3 हैशटैग से 5 हैशटैग तक लगा सकते हैं। जैसे आपने एक रील अपलोड की तो आप उसमें 3 हैशटैग रेलिवेंट करते हुए, और कोशिश ये करें कि हैशटैग वो लगाएं जिस पर बहुत ज़्यादा व्यू ना हो चुके हों, क्योंकि होता क्या है कि जब जैसे हम रील डालते हैं तो हम उसमें हैशटैग लगा देते हैं रील्स, अब उसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा व्यू हो चुका होता है, इतनी ज़्यादा पोस्ट अपलोड होती रहती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पोस्ट जो लोगों तक पहुँचे। तो जिस पे लाखों में हो, 5 लाख 6 लाख 7 लाख, उस आंकड़े वाले हैशटैग को चूज़ करें। बहुत से बहुत 10 लाख तक वाले को कर सकते हैं, 1 मिलियन वाले तक को, इससे ज़्यादा पे ना जाएं। और तीसरा तरीका ये है कि जब भी आप रील को अपलोड करें तो ये ध्यान रखें कि उसे खुद शेयर ना करें लोगों के लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग अपनी रील बनाते हैं और खुद ही उसे लोगों को शेयर करते रहते हैं मैसेज में कि हमारी रील देखो। यार ऐसा क्यों करते हो? इससे क्या इंस्टाग्राम को ये लगता है कि ये अपना कंटेंट खुद शेयर कर रहा है किसी भी सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या यूट्यूब। अपनी वीडियो को खुद शेयर नहीं करना है, और वो भी मल्टीपल टाइम्स। एक दो बार की बात अलग है कि आपको लिंक शेयर करके किसी को देना है, लेकिन बार बार तो उसे बिल्कुल भी शेयर ना करें। इससे क्या है कि आपकी रील पे कोई ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे, और अगर शुरू में कोई व्यू आ भी गए तो आगे चल के हो सकता है कि उसकी रीच कम हो जाए, क्योंकि इंस्टा को ये लगेगा उसके मशीन लर्निंग सिस्टम को कि ये अपनी वीडियो को खुद शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमें अपना जो कंटेंट अपलोड करना होता है तो ये सोच के अपलोड करना होता है कि हमारे कंटेंट को और आईडीज़ जो हैं वो शेयर करें, तब उसको बूस्ट मिलता है। ये नहीं कि हम उसे खुद शेयर करें,
अब ये तो वही हो गया ना कि अपनी वीडियो को खुद बैठ के देखते रहो, 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होंगे ना। तो बस वही तरीका वहाँ काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हैशटैग का जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका होगा, लेकिन मन में आपकी क्वेरी ज़रूर होगी कोई ना कोई। कमेंट में आइए, उस क्वेरी को लिखिए, ज़रूर जवाब दूंगा। अगर टाइम मिलता है तो आज ही दे दूंगा उसका जवाब। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी, इसीलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करने वाले हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनेगी वो आप क्लियर करोगे, कमेंट में बताओगे, तो नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे जल्दी ही बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।